अभी तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम्हें कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज के काम करने पड़ते हैं, उसके साथ नीट की प्रिपरेशन करना आसान नहीं है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी किया है। तो मुझे बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा ना कि यार उस टाइम काश मैंने मेहनत कर ली होती ना, तो आज मैं उस पोजीशन पे होता जिससे तुम फ्री में टेस्ट सीरीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगी, आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सीरियस नीट एस्पायरेंट्स है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लिया और उसके साथ साथ वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, लेकिन उनमें से जो सीरियस बच्चे हैं, जो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए रेडी हैं, जो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि भाई जिनके बड़े सपने हैं उनके लिए वो ट्राई करना चाहते हैं कि अभी जिस प्रेजेंट लाइफ को वो जी रहे हैं उससे बेटर लाइफ बनानी है, मुझे हार्डवर्क करना है, इसके लिए जो रेडी है। क्योंकि सारे बच्चे नहीं होते ऐसे, कुछ ही होते हैं जिनके मन में वो आग लगी होती है। तो अगर तुम्हारे दिल में वो आग लगी है तो ही इस वीडियो को देखना, ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है फिर। लेकिन अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो और इस कैटेगरी में आते हो तो फिर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई सेल्फ समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो स्पेशली पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए है जो कि नीट 2025 का एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें जैसे कि पता है कि हमारे पास 6 मंथ लेफ्ट है, तो हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो सब चीज सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या माइंडसेट होना चाहिए उसके बारे में मैं बात करूँ। तो सबसे पहले देखो कि भाई तुम्हारा वाई क्लियर है कि नहीं है, तुम क्यों करना चाहते हो उसकी प्रिपरेशन। अगर जब तक तुम्हारा वाई स्ट्रांग नहीं है ना, तब तक बिल्कुल नहीं कर पाओगे तुम। मैं भी अपने टाइम पे, मैं भी ड्रॉपर रही हूँ, और मैं सच बताऊँ मेरा अच्छा खासा वाय जो था वो ये था कि मुझे अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है। जो मेरी प्रेजेंट लाइफ थी, जहां मैं रह रही थी, मुझे वहां से निकल के जाना है। तो भाई पहला यही कि बेटर लाइफ बनानी है मुझे, मैं इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी के हिसाब से जी सकूं। फैमिली को इंप्रूव करना है, मेरी फैमिली की हालत जो है मैं उसको बेटर लाइफ दे सकूं, उन सबको बेटर लाइफ दे सकूं। मेरे ड्रीम्स हैं, मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ। अगर ये सब तुम्हारे क्राइटेरिया हैं और इससे बेटर, और तुम देखो कि तुम्हारा वाय क्या है, कितना स्ट्रांग है तुम्हारा वाय, जितना स्ट्रांग वाय होगा तभी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि तुम्हें सक्सेस मिल पाए। तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम्हें कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज के काम करने पड़ते हैं, उसके साथ नीट की प्रिपरेशन करना आसान नहीं है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी किया है। लेकिन जो पेन ऑफ डिसिप्लिन रहेगा वो बहुत कम रहेगा, है ना, उसके कंपैरिजन में। जो बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा ना कि यार उस टाइम काश मैंने मेहनत कर ली होती ना, तो आज मैं उस पोजीशन पे होता। उसके बाद दूसरी चीज तुम्हें देखनी है कि तुम्हारी मिस्टेक्स और डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। तुमने पिछले अटेम्प्ट्स दिए होंगे, डेफिनेटली पिछले अगर अटेम्प्ट्स दिए हैं तो उनमें तुम्हारी मिस्टेक्स क्या थी, क्योंकि एक ड्रॉपर के सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो अपने पिछले अटेम्प्ट्स की जो मिस्टेक्स है ना उनको रिपीट ना करे, उनको खत्म कर दे। तो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे क्या क्या है, तुम्हारे फ्रेंड्स अगर कुछ भी टॉक्सिक से फ्रेंड्स है ना, तो उनको छोड़ दो। जितनी जल्दी छोड़ दोगे, जिन फ्रेंड्स की वजह से गलत आदतें पड़ रही है उनको छोड़ दो, उतना ही फायदा रहेगा जितनी जल्दी छोड़ दोगे। उसके बाद अगर तुम किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, तो मैं सच बता रही हूँ उसको छोड़ दो। क्योंकि या तो अपने पार्टनर से बोलो कि भाई या तो मेरा वेट करो, मेरा अभी टाइम ऐसा चल रहा है, मेरे को एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर वो बंदा तुम्हारा है, बंदा या बंदी तुम्हारी है, तो वो तुम्हारे वेट करेगा या करेगी। और अगर वो नहीं कर रही है, तो वो जा रहा है जा रही है, तो जाने दो उसे, अपना करियर स्पॉइल मत करो उसकी वजह से। उसके बाद अगर सोशल मीडिया, भाई सोशल मीडिया की अगर तुम्हें लत रख रखी है ना, तो छोड़ दो भाई, है ना। कॉलेज परफॉर्मेंस सबसे बड़ी बात है कि तुम अगर कॉलेज में हो ना, तो ये मत सोचो कि मैं कॉलेज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ले आऊं, टॉप कर लूं या कुछ भी। वहां पे तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन रहेगी, और इस चीज को मेंटली प्रिपेयर रहो इस चीज के लिए, ठीक है। कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देने वाली हूँ जिससे तुम फ्री में टेस्ट सीरीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगी। सिर्फ क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो टेस्ट बुक पास प्रो हेल्प करेगा इसमें आपकी। यहाँ ऑलमोस्ट 139 प्लस मॉक टेस्ट हैं नीट के, जो सिमिलर इंटरफेस ऑफ जेईई मेन एग्जाम के हैं। 90 प्लस चैप्टर टेस्ट हैं, 44 प्लस प्रीवियस ए पेपर्स, 20 प्लस फुल टेस्ट के साथ हर टेस्ट के डिटेल सॉल्यूशन और एनालिसिस मिलती है। साथ ही आप किसी भी टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर मेरा कूपन कोड एसकेडी गिफ्ट यूज करते हो तो ये टेस्ट सीरीज आपको 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगी, और आफ्टर 1 मंथ आप इसको एनरोल कर सकते हो विद 1 रुपी पर डे के प्राइस पर। तो आई थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो एक बार जाके ट्राई तो करना बनता ही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना एक बार। अगर प्रिपरेशन करनी है तो एटलीस्ट तुम्हें 5 से 6 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को सेपरेटली देने पड़ेंगे कॉलेज के बाद। तुम्हारा कॉलेज कितने बजे से कितने बजे तक है, जो भी टाइमिंग है, लेकिन तुम्हें 5 से 6 घंटे निकालने पड़ेंगे। दो दो नाव में पैर रख के तो नहीं चल पाएंगे ना, तो एक जगह परफॉर्मेंस कम रहेगी। अब देखो कि तुम्हारे पास टोटल
6 months है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि स्टार्टिंग के जो 5 months हैं उनमें तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि तुम सिलेबस कंप्लीट कर लो और रिविजन करो, ठीक है। और लास्ट का 1 month अगर तुम सेपरेटली मॉक टेस्ट और रिविजन को दोगे बस, तो ये चीज ध्यान रखो, इतना मोटा मोटा क्लियर रखो कि 5 महीने में मुझे अपना सिलेबस भी कम्प्लीट करना है और रिविजन भी साथ में करना है, और लास्ट में तो सिर्फ उसे मॉक टेस्ट और रिविजन ये चीज करनी है। अब सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा ये चीज मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें, अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि भाई सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें एक प्रॉपर प्लानर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर प्लानर का मतलब ये है कि तुम्हें एक हफ्ते के अंदर इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ये एक प्रॉपर प्लानर होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने भी किया हुआ ये काम तुम्हारे लिए कि मैंने सारे जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन सारे चैप्टर्स को वीक वाइज टारगेट में कन्वर्ट कर दिया, 20 वीक के टारगेट में कन्वर्ट किया है, और वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे ये कन्वर्ट किया हुआ है और इसका तुम पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और कभी कभी टेलीग्राम चैनल से वहां से डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो ये देखो मैंने 20 वीक्स के टारगेट में कन्वर्ट कर दिया है सारे चैप्टर्स को, और इसमें मेरा फोकस ये रहा है कि तुम एक हफ्ते के अंदर तुम कम से कम 4 चैप्टर्स को अपना कंप्लीट करो। तो ये चीजें मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स मैंने डिवाइड किए हैं वीक वाइज टारगेट में डिवाइड कर दिए, तुमसे अगर खुद से नहीं हो रहा है तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो मेरे टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, और नहीं तो तुम मेडिक्वेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद कि भाई ठीक है हम ये चैप्टर्स करेंगे, लेकिन हम अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास टोटल 79 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फिजिक्स में 28, केमिस्ट्री में 19 और बायोलॉजी में 32। तो अभी तुम्हें टारगेट ये रखना है कि मैं एटलीस्ट 20 चैप्टर्स कर लूं, 19 के बजाय केमिस्ट्री के मैं 15 चैप्टर्स कर लूं, बायोलॉजी में 30 चैप्टर्स कर लूं, मतलब जो मेन है उसे थोड़ा सा कम कर लूं। मतलब इससे दिमाग को भी ये रहता है कि अरे तो कम काम कर रहे हैं, तो उससे लोड कम लगता है और स्ट्रेस कम आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम यहाँ से इस तरह से 65 चैप्टर्स अपने मेन मेन कवर कर रहे होगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो अगर तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तुम्हें चाहिए, जिनसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, तो उनके कमेंट कर देना मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी उसमें सारे चैप्टर्स विद प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस किससे कितने आते हैं वो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके बना दूंगी, तुम कमेंट कर देना अगर, ठीक है। जितने ज्यादा लोगों को चाहिए होगा तो मैं बनाऊंगी। फिर उसके बाद तुम्हें ये प्रॉपरली 20 वीक्स का प्लानर फॉलो करना है। 20 वीक्स का प्लानर जो मैंने बनाया है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि एक वीक में तुम्हारे 4 चैप्टर कवर हो। 4 चैप्टर कवर होने का मतलब एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और 2 बायोलॉजी के, ठीक है। इस तरह से 4 चैप्टर कवर हो, ताकि तभी तो तुम 20 वीक्स के अंदर अराउंड ये 80 चैप्टर्स अपने कवर कर पाओगे। 80 नहीं है, मतलब है 79, ठीक है, ये कवर कर पाओगे। लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ 65 चैप्टर्स का तुम टारगेट रखो, जिनको तुम 16 वीक्स के अंदर कवर कर लोगे, ठीक है। अब तुम कैसे कवर करोगे वही मैं बता रही हूँ। वॉच ओनली वन शॉट, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देखने हैं, तुम डिटेल लेक्चर्स नहीं देखोगे, तुम ऐसे लेक्चर्स नहीं देखोगे जो कि लेक्चर्स लगभग 15-15 लेक्चर्स के अंदर एक एक चैप्टर करा रहे हैं, ऐसे नहीं देखोगे। तुम्हें ऐसे वीडियोस लेक्चर्स देख रहे हैं जो कि सिर्फ 4-5 घंटे के अंदर चैप्टर को कवर करा रहे हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, नोट्स की प्रिंट आउट निकलवा लेनी है, जो कि क्लास के नोट्स होंगे उनकी प्रिंट आउट निकलवानी है। तुम्हें नोट्स लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, उन्हीं नोट्स पर हाईलाइट करो, पेन चला लो, कर लो इस तरह से। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हें ऑब्वियसली क्वेश्चन को देना है, इसलिए लेक्चर देखने और नोट्स बनाने से टाइम तुम्हें बचाना है, वैसे भी तुम्हारे पास टाइम कम है। अब बात आती है क्वेश्चन को टाइम देना है ज्यादा, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, क्या क्राइटेरिया और कितना टारगेट रखना है। तो तुम्हें टारगेट रखना है कि मुझे 100 से 120 क्वेश्चंस पर चैप्टर सॉल्व करने ही करने हैं। ये तुम हर चैप्टर का लिख लोगे एक जगह कि भाई मेरे इस पर्टिकुलर चैप्टर के 100 क्वेश्चन हो गए और इसके हो गए, सबके होते जाए तो टिक करते जाओ, जिसके नहीं हुए उसके टिक मत करो अभी। अब किससे करोगे, तुम्हारे पास मॉड्यूल है तो उसको फॉलो करो, ठीक है। अगर मॉड्यूल नहीं है तो कोई बुक ले लो, बुक के लिए कौन सी दिशा पब्लिकेशन की बुक्स होती है, एमटीजी की बुक्स होती है, देखो सारी बुक्स ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज ना होके किसी एक को पकड़ के किसी भी एक की बुक ले लो, उसको फॉलो कर लो, बस टारगेट ये ध्यान रहे कि मेरे 100 से 120 क्वेश्चन पर चैप्टर हो जाए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले हैं, इसके अलावा तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने ही करने हैं और नीट का पीवाईक्यू करना है 2013 तक के क्वेश्चंस। कई बच्चे ये पूछते हैं, कहते हैं मैं पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लूं, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी है। माय डियर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और पीवाईक्यू इन 100 और 120 क्वेश्चन से अलग है। ये 100-120 क्वेश्चन को तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करनी है,
एनसीईआरटी एग्जाम्पल और नीट का पीवाई को तुम्हें इसलिए करना होता है ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि कितने और किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे मेन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बाकी हमें पता है, सबको पता है कि एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। टेस्ट सीरीज तो प्रॉपरली यार ज्वाइन कर लेना, अगर तुम कहीं सेंटर पे जाके टेस्ट देने वाली जो टेस्ट सीरीज होती है तो वो थोड़ी महंगी होती है, अगर वो नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो जो भी टेस्ट पेपर्स हैं उनको प्रिंट आउट निकलवा कर, ठीक है, मिल जाते हैं टेस्ट पेपर्स आजकल, तो जो टेस्ट पेपर्स को प्रिंट आउट निकलवा कर पेन पेपर मोड में अपने घर पे बैठकर जरूर दो। पेन पेपर मोड में ओएमआर शीट फिल करते हैं ना, वैसे जरूर देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा टारगेट स्कोर क्या है, टारगेट स्कोर क्या है, टारगेट स्कोर है हमारा 660 प्लस में लाना ही लाना है, ठीक है, तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो बायोलॉजी में तुम्हारा लगभग स्कोर होना चाहिए लगभग 350 स्कोर तुम्हारा होना चाहिए, और ये तुम एनसीईआरटी पीवाईक्यू और 100 से 120 क्वेश्चन वाला काम तुम हर चैप्टर के लिए कर दो, ये 32 चैप्टर है ना उतने के लिए कर दो, इतना काम कर दो, मैं बता रही हूँ तुम्हारे 350 क्वेश्चन नंबर जो है वो 350 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी के एनसीईआरटी को रट्टा मार लो ढंग से बढ़िया तरीके से रिवाइज करके। फिजिक्स में तुम्हें 140 से 145 नंबर लगभग लाने पड़ेंगे, है ना, और मैं बता रही हूँ लगभग 120 मार्क्स तो तुम्हारे पता है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट जरूर बनानी है ताकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे हाथ से ना छूटे, ठीक है। कैसे आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, वो तुम्हें किससे पता चलेगा, पीवाईक्यू से पता चलेगा। फिर उसके बाद आती है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में 160 से लेकर 165 प्लस तक का मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, और मैं बता रही हूँ 160 स्कोर करना बहुत आसान है, मैंने अपने टाइम पे 2020 दिया था और उसमें मेरा 160 स्कोर था केमिस्ट्री में, और एक भी नेगेटिव नहीं था, मतलब मैंने 45 क्वेश्चन आते थे हमारे पे तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 160 मार्क्स आए थे मेरे और एक भी नेगेटिव नहीं था। और मैं बता रही हूँ कि एनसीईआरटी मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से कर रखी थी, बहुत अच्छे से, मतलब मुझे एक एक लाइन रटी थी, कौन से वर्ड कौन सी लाइन कहाँ लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे खुद से, तो वो चीज मुझे बहुत हेल्प करती थी। दूसरी तीसरी चीज जो मैंने की थी कि एक एक पीवाईक्यू मैंने जरूर किया था बहुत अच्छे से, मुझे बिल्कुल क्लियर था कि ये वाला पीवाईक्यू उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर था। मैं अपना एडिशनल बता रही हूँ क्योंकि मैंने जेई मेंस वाले भी करे थे, जेई मेंस का पीवाईक्यू फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। और इतना करके, सिर्फ इतना जो मैंने अभी अभी बताया, इतना करके आराम से 160 आ जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ना सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, तो 160 मार्क्स केमिस्ट्री में लाना बहुत आसान है, पर तुम बस ये चीज करते जाओ बस, ठीक है। बाकी मेन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली तुम्हें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, है ना, अगर तुम्हें अपना फाइनल एग्जाम क्रैक करना है तो। अब स्ट्रेस ना लेकर, कंफ्यूजन ना लेकर अपना एक्शन लो, और बहुत टाइम हो गया, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास, तो बस टेक एक्शंस एंड ऑल द बेस्ट।